वेलकम टू जामगढ़। आज है 12 जुलाई 2019 और 12 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के बाद में आपको उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की प्रोसेस्को पहाड़ियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में इटली की प्रोसेस्को पहाड़ियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। इटली की कांग्लेगियानो तथा वोल्डो बियादेने पहाड़ियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह पहाड़ियां वाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। कांग्लेगियानो तथा वोल्डो बियादेने पहाड़ियों में अंगूर की खेती की जाती है, जिससे प्रसिद्ध प्रोसेस्को स्पार्कलिंग वाइन का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको संयुक्त रूप से प्रोसेस्को पहाड़ियां भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात की गई है इटली की, तो आइए इटली को मैप में देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इटली आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी रोम है। यहाँ के राष्ट्रपति सेग्रियो मैटेरेला हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री गियोसिप कोंटे हैं, और इटली देश की मुद्रा यानी कि करेंसी यूरो है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स की टॉप 100 सेलिब्रिटी सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो फोर्ब्स पत्रिका की टॉप 100 सेलिब्रिटी सूची में शीर्ष स्थान टेलर स्विफ्ट ने हासिल किया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने फोर्ब्स की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और 2019 में 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई के साथ ही सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं, और इस सूची में भारत के अक्षय कुमार 33वें स्थान पर बने हुए हैं। याद रखिएगा कि एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार हैं जिनको टॉप 100 में स्थान मिला है। नेक्स्ट, होमगार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में होमगार्ड का महानिदेशक एम नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने एम नागेश्वर राव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा इन्हें तीन चीजों का एक साथ महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, नगर विमानन निदेशालय DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नगर विमानन निदेशालय DGCA का महानिदेशक अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अरुण कुमार को नगर विमानन निदेशालय DGCA का महानिदेशक नियुक्त किए जाने पर मंजूरी दी है। इससे पहले वे केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है नगर विमानन की, तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में नागरिक विमानन मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी हैं, जबकि नागरिक विमानन सचिव या फिर नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला हैं। नेक्स्ट, प्रसार भारती ने नई उभरती प्रौद्योगिकियों और नई दिल्ली से प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। तो हाल ही में प्रसार भारती ने आईआईटी कानपुर के साथ नई उभरती प्रौद्योगिकियों और नई दिल्ली में प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर ने नई उभरती प्रौद्योगिकियों और नई दिल्ली में प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से प्रसारण क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अब बात की गई है प्रसार भारती की, तो आइए मैं आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। तो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश हैं और सीईओ शशि शेखर वेम्पति हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन थ्रस्ट किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ऑपरेशन थ्रस्ट आरपीएफ ने लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। आरपीएफ ने रेलवे परिसर में अनधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट का शुभारंभ किया है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है आरपीएफ की, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक अरुण कुमार हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार बने हैं और इसके भी महानिदेशक अरुण कुमार हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1872 को की गई थी, जबकि इसको आधिकारिक रूप से मान्यता रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 1957 के तहत मिली थी। जी हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 1957। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप प्रोग्राम प्राप्त करने वाले दुनिया के दो व्यक्तियों में एक भारतीय कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप प्रोग्राम प्राप्त करने वाले दुनिया के दो व्यक्तियों में एक भारतीय ईसा कंठ हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के दो लोगों में एक भारतीय को स्थान मिला है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। भारती किशोरी ईसा कंठ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप प्रोग्राम प्राप्त करने वाले दुनिया के दो व्यक्तियों में से एक हैं। इससे पहले उन्होंने ग्रामीण बिहार में शिक्षा के अधिकार और महिला सशक्तिकरण से संबंधित हाशिए के वर्ग में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन यूक्रेन ने किया है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया है। इसमें कुख्यात चेरेनोबिल संयंत्र में नष्ट हो चुके रिएक्टर को शामिल किया गया है। यह 108 मीटर ऊंचा गुंबद है जिसका वजन 36,000 टन है। देखिए, बात की गई है यूक्रेन की, तो याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ की जो करेंसी है रिविन्या है। और प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, खसरा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पांचवा देश कौन बना है? तो खसरा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पांचवा देश श्रीलंका बना है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। WHO के अनुसार खसरा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पांचवा देश श्रीलंका बन गया है। इस क्षेत्र में जिन अन्य देशों ने
यह उपलब्धि हासिल की है वे भूटान, मालदीव, उत्तरी कोरिया और तिमोर लेस्ते हैं। अब देखिए, WHO की बात की गई है तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड टेड्रोस एडोनोम है। और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फनमोजो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में फनमोजो के ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ बने हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब फनमोजो क्या है? तो फनमोजो आपका एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपने सुना होगा ड्रीम इलेवन, माई क्रिकेट टीम इलेवन, वैसे ही फनमोजो है। इसमें आप अपनी टीम बना करके क्रिकेट खेल सकते हैं। नेक्स्ट, AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब सुनील छेत्री ने जीता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में अन्य अवार्ड्स भी जान लेते हैं। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री और महिला फुटबॉल खिलाड़ी आशा लता देवी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड्स अर्थात AIFF अवार्ड्स में शीर्ष सम्मान हासिल किया है, जो कि विकास कार्यक्रम के लिए जम्मू और कश्मीर फुटबॉल संघ को सर्वश्रेष्ठ रेफरी आर वेंकटेश, सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी जोसेफ टोनी, उभरती हुई महिला फुटबॉलर 2018-19 डंग मेई ग्रेस और उभरते हुए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर अब्दुल सहल को मिला है। तो इसमें आपको अच्छे से सुनील छेत्री और आशा लता देवी का नाम याद रखना है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेज हैं। तो कल की वीडियो का आंसर है, बुकयान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने नेट पैक पुरस्कार जीता है? तो गली बॉय ने बुकयान फिल्म फेस्टिवल में नेट पैक पुरस्कार जीता है। अब आपके लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को आपको पूरा करना है। खारची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो भी करेक्ट आंसर हो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर यूज़ करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।